गाइस हम लोगों ने कर लिया है चेक इन ब्रॉडवे होटल मकाओ के अंदर। चेक इन होने के बाद एक मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये मिली कि मुझे 3 बजे से पहले रूम की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। मुझे चेक इन कर लिया गया है लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी रूम क्लीननेस करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अभी 1:30 बजा है तो 3 बजे तक आप वेट कीजिए। तो 1.5 घंटा मुझे तकरीबन बैठ के इसी तरीके से गुजारना पड़ेगा। अगर मैं ओवरऑल होटल की बात करूँ दोस्तों, तो रिसेप्शन वाइज काफ़ी ही अच्छा है, काफ़ी ही क्लासी होटल लग रहा है। जैसे गैलेक्सी सेंटर हुआ था, बेसिकली ये सिस्टर कंसर्न है गैलेक्सी होटल चेन्स की ही, तो ये काफ़ी अच्छे होटलों के अंदर आता है और मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस पे मिला। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो 2 नाइट्स का स्टे है 4 रूम्स के लिए मुझे देने पड़े सिर्फ 40,000 रुपीज़। जी हाँ, 4 रूम्स फॉर 2 नाइट्स ईच 40,000, डैट मीन्स एक रूम एक रात के लिए मुझे पड़ा 5,000 रुपये का इस बेहतरीन 4-स्टार प्रॉपर्टी के अंदर। तो अब अगला जो मेरा बात रहेगी वो रहेगी रूम का टूर। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश अप होऊंगा, थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा और फिर हम शाम को जाएंगे यहाँ की फेमस मकाओ स्ट्रीट पे। हेलो गाइस, सो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने बताया था, टायरिंग हो गया था, तो हम लोगों ने अभी ली है एक फ्रेश सी नींद। 3 घंटे हम लोग आराम से सोए हैं। अगर मैं रूम की बात करूं, जैसे मैंने आपको अभी रूम का ओवरव्यू दिखाया, तो काफ़ी ही स्पेशियस रूम है जो मुझे बताया गया है भाई के द्वारा कि हांगकॉन्ग में जो रूम्स हैं वो इतने स्पेशियस नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू जो मेरे को यहाँ मकाओ में मिलते हैं। तो मैंने आपको जैसे रूम का दिखाया, काफ़ी स्पेस है, बैग्स रखने की जगह है और अभी आपको साक्षी दिखा रही है इसमें बाथरूम भी है, तो काफ़ी अच्छा रूम है। 5-स्टार प्रॉपर्टी है। मैंने आपको पहले बताया था कि 4-स्टार प्रॉपर्टी है, बट ये करेक्शन है कि ये 5-स्टार प्रॉपर्टी है। इसमें स्विमिंग पूल भी है, इनका अपना वाटर पार्क भी है, बट विंटर सीजन होने के कारण वाटर पार्क जो है अभी भी वो क्लोज रखा गया है। तो इसलिए अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक होटल रूम का अच्छा है। फूड का, ब्रेकफास्ट का मुझे मॉर्निंग में पता चलेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मेरी रेटिंग का एक पर्टिकुलर होटल के लिए। बट ओवरऑल रूम वाइज
अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, फुली रिकमेंडेड है। अगर मैं स्टेइंग के मामले में आपको रिकमेंड करूँ तो मैं 9 नंबर दूंगा इसे एज़ कम्पेयर, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है और इसकी प्रॉपर्टी का एक्चुअल जो व्यू है या आपके रूम से जो व्यू दिखता है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं होटल पहुंच के आपको पूरा बताऊंगा कि मेरा हांगकांग एयरपोर्ट से मकाऊ के इस ब्रॉडवे होटल तक पहुंचने का क्या सिस्टम रहा, तो मैं एक समराइज उसको जल्दी से करता हूं कि आप जब एयरपोर्ट से निकलेंगे तो पहले आपको इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा फॉर हांगकांग, जिसके लिए आपको एक छोटा सा स्लिप मिलेगी जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के अंदर। वो स्लिप आप फिल इन करेंगे, इमिग्रेशन काउंटर पर जाएंगे, आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, उसके बाद वो आपको जाने दिया जाएगा स्टैम्प करने के बाद। और फिर आपको जाना है वहाँ से 3rd फ्लोर पे लिफ्ट से, वहाँ पे आपको मिलेगी बस B4। B4 बस जो है वो आपको लेके जाएगी वहाँ से मकाऊ इमिग्रेशन सेंटर तक, मकाऊ इमिग्रेशन सेंटर तक। मकाऊ इमिग्रेशन सेंटर में आपको मात्र लगने वाले हैं 15 से 20 मिनट अगर वहाँ खाली होता सब हिसाब। इमिग्रेशन सेंटर पे आप मकाऊ में एंट्री करेंगे, मकाऊ में एंट्री करने के बाद वहाँ से आप 65 HKD की यानी 65 हांगकांग डॉलर्स की आप बस लेंगे जो आपको लेके जाएगी मकाऊ टर्मिनल तक। मकाऊ टर्मिनल तक जब आप उतरेंगे मकाऊ टर्मिनल पे, तो वहाँ से आपको ताइपा आइलैंड की लेनी है बस, जो कि फ्री ऑफ चार्ज है। कोई बस किसी भी टूरिस्ट या टैक्सी ड्राइवर के स्पैम में मत आइएगा, वो आपसे हाई रेट्स मांगेंगे बट आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ताइपा फेरी कि वहाँ पे बस खड़ी होती है ताइपा फेरी पोर्ट की, वो आप बस ले सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज बस है, वो आपको 15 मिनट में ताइपा फेरी पॉइंट पहुँचाएगी। और ताइपा फेरी से आपको फाइनली लेनी है बस गैलेक्सी होटल की, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीच में इमिग्रेशन प्रोसेस आते हैं 2-3, लेकिन वो मकाऊ के इमिग्रेशन प्रोसेस हैं। वहाँ पे एक आपको छोटी सी स्लिप मिलती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी ट्रिप का, वो आपको स्लिप संभाल के रखनी है। तो गाइस अभी हम लोग हो रहे हैं तैयार यहाँ से जाने के लिए मकाऊ का फेवरेट एरिया कोताई स्ट्रिप्स के नाम से जो फेमस है। कोताई स्ट्रिप्स जो है वो बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलके बना है, को एंड ताई, यानी जिसमें से ताए का मतलब है ताइपा आइलैंड जिसके ऊपर मैं अभी हूँ करंटली, और को रिप्रेजेंट करता है कोलोलेन करके एक जगह है, COLOANE कोलोएन रीजन। तो इसमें क्या था बेसिकली ये 2 आइलैंड्स अलग अलग थे, तो इन दोनों आइलैंड्स को लैंडफिल करके दोनों को कनेक्टिविटी से ज्वाइन किया गया है, रोड कनेक्टिविटी के थ्रू ज्वाइन किया गया है। तो इसको जो नया आइलैंड फॉर्म हुआ इन 2 आइलैंड्स को ज्वाइन करने से, उसका नाम रखा गया कोताई। सो कोताई जो है यहाँ की स्ट्रिप बहुत फेमस स्ट्रिप है, लास वेगास में जैसे स्ट्रिप है वेगास स्ट्रिप है, वैसे ही यहाँ की कोताई स्ट्रिप है, जिसको मैं आपको मकाऊ स्ट्रिप कह रहा था बट वो है एक्चुअल में कोताई स्ट्रिप। तो हम जाने वाले हैं, कहते हैं रात को वहाँ पे बहुत बेहतरीन नज़ारा होता है, तो अभी मैं जाने वाला हूँ कोताई स्ट्रिप। मुझे जो बताया गया है कि हम अभी हैं यहाँ पे होटल ब्रॉडवे में, यहाँ से मूव करके जाना है हमें होटल गैलेक्सी में, वहाँ से जाना है होटल वेनिशियन में, और उसके सामने ये वाली स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं ये है कोताई स्ट्रिप।
लोग निकल चुके हैं मॉल से बाहर, अभी गैलेक्सी मॉल इसे कहते हैं टोटल, क्योंकि ये गैलेक्सी होटल के अंदर ही आता है तो इसको गैलेक्सी मॉल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सारी शॉप्स हैं, होटल भी अंदर है, कैसीनो भी अंदर है और शॉप्स भी जो हैं वो सारी अंदर ही हैं। अब मैं निकल रहा हूँ ईस्ट साइड की एंट्री से बाहर और यहाँ से जाऊँगा वेनेशियन। वेनेशियन के वहाँ से जब मैं क्रॉस करूँगा तो सामने जब निकलूँगा तो मैं पहुँचूँगा सीधा कोताई स्ट्रिप। तो अभी का प्लान यही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट लेट्स सी मैं कहाँ पे कैसे निकल पाता हूँ। अभी आपने जो पीछे देखा है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वेनेशियन, इस वेनेशियन के अंदर हमें एंट्री लेनी है और इसकी एंट्री करके हमें ऑपोजिट साइड निकलना है कोताई स्ट्रिप जाने के लिए। तो गाइस मेरे को हो गए हैं अभी 15 मिनट वॉक करते हुए और मैं पहुंचा हूं अभी वेनेशियन की एंट्री पॉइंट पे। यहां से भी कहते हैं कि 15 मिनट ही लगेंगे मुझे आगे जाने में कोताई स्ट्रीट जो है, तो टोटल आप लगा के चलो कि आपको वॉक करते हुए हाफ एन आवर के आसपास टाइम लगेगा अगर आप ब्रॉडवे में रुकोगे तो। अभी हम लोग हैं वेनेशियन मॉल के अंदर, ये उसी थीम पे बनाया गया है जो कि वेनेशियन थीम को रिफ्लेक्ट करती है। सेम ओनर्स हैं, आई गेट सेम चेन है ये जो हमें लास वेगास में भी मिलती है, तो काफ़ी यूनिक सा स्ट्रक्चर है। हर जितने भी आप यहाँ होटल्स के अंदर एंट्री करेंगे आपको हर कोई एक डिफरेंट थीम या डिफरेंट मैं कहूँगा आउटलुक देता हुआ नज़र आएगा आप लोगों को, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। वो गैलेक्सी होटल का एक थीम था, यहाँ का वेनेशियन थीम है। थोड़े इसका व्यूज़ और दिखाता हूँ आपको और क्लैरिटी होगी इसके बारे में। तो गाइज आपने जो अभी फ़ोटोज़ देखी या अभी जो मैंने आपको वीडियो की क्लिप दिखाई वो है कोताई स्ट्रीट, यहाँ की फेमस कोताई स्ट्रीट। दोनों तरफ कैसीनोज़ हैं, यहाँ पे शोज़ वगैरह काफ़ी होते रहते हैं दोस्तों जो मैंने सुना है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छी स्ट्रीट है। स्ट्रीट की मैं थोड़ी और क्लिपिंग्स आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में स्ट्रीट दिखती कैसे है। मैंने अभी एग्ज़िट करी है होटल से, वेनेशियन से, तो जैसे ही मैंने एग्ज़िट करी है तो मेरे सामने जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है यहाँ की फेमस कोताई स्ट्रीट। तो चलिए थोड़े से और क्लिपिंग के मज़े लेते हैं और दिखाता हूँ कि कैसे दिखती है स्ट्रीट रात को।
ये है यहाँ की फेवरेट या फेमस कोताई स्ट्रीट जिसकी मैंने आपको क्लिपिंग दिखाई। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, काफ़ी फुल ऑफ लाइटनिंग मैं कहूँगा इसे, वेगास ऑफ द ईस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, बोला भी जाता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मस्ट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आप यहाँ ज़रूर आएँ। अगर आप मकाओ आ रहे हैं तो गैम्बलिंग के साथ ना भूलें कोताई स्ट्रीट आना और स्ट्रीट के ब्यूटीफुल नज़ारों के मज़े लेना। तो चलिए चलते हैं वापस होटल। आप लोगों ने मज़ा लिया होगा कोताई स्ट्रीट का, जो कि बहुत ही फेमस स्ट्रीट है यहाँ पे। मैं हूँ अभी सोने लगा रहा हूँ वापस और अपने सब्सक्राइबर्स को बताने के लिए कि कंटेंट बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, इसी तरीके से मैं आपको कंटेंट देता रहा हूँ। अब हम चलेंगे वापस। अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग मॉल के अंदर से और देखिए मेरे साथ मेरी बहन और मेरी बीवी का क्या हाल है। ये लोग ब्रांड्स को देख के एकदम पागल हो गए हैं। एलवी, चैनल की बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। गाइज मेरा फुल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो बहुत सारा पैसा लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और अगर वाइफ के साथ आ रहे हो या बहन के साथ आ रहे हो तो स्पेसिफिकली ज़्यादा पैसे लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आपका खर्चा बहुत होने वाला है। देखिए एक्सप्रेशन देखिए इनके। भाई मेरा पर्स होने वाला है खाली। काटने वाले हैं केक, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे, सो स्पेशल केक बनाया गया है। ये क्रंची केक कहेंगे इसे, और इसके ऊपर गार्निशिंग जो की गई है वो की गई है जैम की। तो अब मैं ये केक काटने वाला हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,